तरह से मिक्स करेंगे मसालों को और फिर इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट करके, और फिर इसके बाद इसको हम फ्राई कर देंगे। ये हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से लग गया है। अब हम आ जाते हैं इसके मसालों की तरफ। मसालों में हमने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर ले लिया है, और 1 टेबल स्पून उसमें ज़ीरा पिसा हुआ ले लिया है, और 1/2 टेबल स्पून उसमें नमक ले लिया है। आप हसबे ज़ायका ले सकते हैं। इसमें टमाटर ले लिए हैं 3 अदद बड़े टमाटर, इनको कट कर लिया हमने इस तरह से। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, और हमने यहाँ पे लहसुन ले लिया है। इन सबको हम पीस लेंगे। प्याज़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्याज ज़्यादा ली है, ये तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज है, जिसको हमने इस तरह बारीक काट लिया है। आप तकरीबन जितने हमने झींगे लिए हैं उतने ही हमने प्याज भी लिया है इसके अंदर। तो आप जितना झींगा लेंगे, अगर आपने आधा किलो लिया है तो आधा किलो ही प्याज लेंगे इसमें, अगर 1 किलो करीब झींगा लेंगे आप तो फिर 1 किलो के करीब ही प्याज लेंगे, यानी जितना झींगा होगा हमारा उतना ही हमने प्याज लेना है। चूँकि हम झींगा दो प्याज़ा बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्याज की मिकदार ज़्यादा ली है। हम गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। प्याज को हमने एक बाउल में निकाल लिया है, इसमें तमाम मसालों को हम डाल के प्याज को भी मैरिनेट कर देंगे। सारे मसाले जो हमने पीसे थे अभी ग्राइंड किया था, उसको हमने इसमें प्याज में डाल दिया। इसके साथ ये सारे ड्राई मसाले, हल्दी, मिर्च और ज़ीरा पाउडर और नमक, ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। ये तमाम झींगे बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं, अब हम इनको फ्राई कर देंगे। झींगों को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम तमाम झींगे डाल देंगे। इनको हम हाई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, इनका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे इस प्लेट में। ये देखें हमारा झींगा जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, और इसका पानी भी देखें खुश्क हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है मसालों की। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें हमने सारे झींगे जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं, और इनको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसका हम बनाएंगे मसाला। इसी पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया था, अब इसमें हम डाल देंगे मेथी दाना। मेथी दाना का बघार देंगे हम इसमें। अब ये मेथी दाने का कलर चेंज हो गया है, तो हम इसमें सारे जो हमने प्याज मैरिनेट की थी वो सारी प्याज इसके अंदर डाल देंगे मसाले वाले। थोड़ा इसको हम चलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब प्याज में हम थोड़ा सा 1/2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। और थोड़ी देर इसको ढक के पकाएंगे ताकि हमारी प्याज जो है थोड़ी नरम हो जाए। इसको हमने ढक दिया है, अब तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, इसके बाद देखते हैं। ये देखें प्याज जो है हमारी थोड़ी नरम हो गई है। अब यहाँ पर हम झींगे सारे इसमें डाल देंगे। झींगे हमने फ्राई किए थे ये सब हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे 1/2 गिलास के करीब पानी इसमें। अब इसको हम ढक के स्लो फ्लेम में पकाएंगे, जब तक कि हमारा पानी ही खुश्क हो जाता है उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। इसको हम चेक कर लेंगे, देखें ये प्याज जो है हमारी गल गई है। अब इसको हम भून लेंगे फ्लेम को हाई करके। देखें ये बिल्कुल अच्छा सा जो है तैयार हो गया है सालन, मज़ेदार सा, खुशबूदार सा, बड़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। इसके
इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें जो हमने कट करके रखी थी, हरा धनिया, कुछ हरी मिर्चें साबित हैं और कुछ कट किया हुआ हमने। इसको भी हम चला लेंगे। फ्लेम हमने हाई की हुई है, इसकी हाई फ्लेम में इसको हम भून लेंगे। हमारी झींगे दो प्याजे की डिश बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको हम खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए हमने खूब अच्छी तरह से भून लिया है। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और तेल ऊपर आ गया है। ये देखें इसका तेल बिल्कुल ऊपर आ गया। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। थोड़ा सा हरा धनिया और हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये हमारा झींगा दो प्याज़ा डिश आउट हो चुका है, जो कि देखने में और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। अगर आपका भी दिल चाहे झींगे का सालन बनाने को, तो आप इस तरह से झींगा दो प्याज़ा बनाएं अपने घरों में, जो कि बहुत ही लजीज बनता है और बहुत ही मज़ेदार डिश है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें